सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइज, आज डिस्कस करेंगे मैफेजेस्ट किट के बारे में कि क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम इन टैबलेट्स को लेने पर। तो गाइज देखिए, जो पहली टैबलेट है मिफेप्रिस्टोन, ये प्रोजेस्टेरोन के एंटागनिस्ट है और जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है तो शुरुआत में तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे कई फीमेल्स को लाइट एब्डोमन क्रैम्प्स या फिर लाइट स्पॉट या ब्लीडिंग की शिकायत रहती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है, ना के बराबर। हालांकि जब ये फर्स्ट टैबलेट आप पूरी ले लेते हो उसके कुछ आवर्स के बाद में कई फीमेल्स को नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत रहती है। नोजिया का मतलब है मितलाई आना या फिर उल्टी जैसा फील होना, लेकिन उल्टी ना आना, लेकिन कई केस में फीमेल्स को वोमिटिंग भी आने लगती है। तो आपको मितलाई आ सकती है या फिर वोमिटिंग मतलब कि उल्टी भी आ सकती है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट टैबलेट है इसी से आपका टर्मिनेशन प्रोसीजर शुरू हो जाता है, लेकिन जो टर्मिनेशन के साइनो सिम्टम्स होते हैं वो इंटरनली होते हैं, आपको अदर जो साइनो सिम्टम्स हैं वो शुरू नहीं होते हैं, ठीक है। जो एक्चुअली साइनो सिम्टम्स हैं वो मिजोप्रोस्टोल टैबलेट को लेने पर होते हैं विद इन 32-4 आवर्स के बीच में। तो जब आप ये दो टैबलेट्स रखोगे जीभ के नीचे तो आपको 30 मिनट से 4 घंटे के बीच में आपको पहले एब्डोमन क्रैम्प्स शुरू होंगे, ठीक है, एब्डोमन पेन शुरू होगा। किस तरह का पेन होता है तो गाइस देखिए, ये जो पेन है ये नॉर्मल डिलीवरी की तरह ही होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये जो पेन है ये कम से कम आप मान के चलिए कि 2 से 6 घंटे तक रहेगा मैक्सिमम, फिर ये धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। तो पहले आपको एब्डोमन क्रैम्प्स आएंगे, उसके बाद आपको हैवी ब्लीडिंग शुरू होगी, ठीक है। और हैवी ब्लीडिंग कितनी होगी, बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होती है और पैड्स भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। और ये कम से कम 24 घंटे तक रह सकती है मैक्सिमम, 24 घंटे तक रहेगी, फिर ये धीरे धीरे कम हो जाएगी और धीरे 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 कम होते होते ये 10 दिन तक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा टर्मिनेशन का प्रोसीजर है ये विद इन 10 डेज ख़त्म हो जाता है। साथ ही ये जो 4 टैबलेट्स हैं इनको लेने पर आपको एब्डोमन क्रैम्प्स आएंगे, जैसा मैंने आपको बताया, हैवी ब्लीडिंग होगी, कई बारी फीमेल को शिवरिंग होती है मतलब कि सर्दी लगती है फिर फीवर आता है, और कई बारी इन टैबलेट्स को लेने पर डायरिया भी हो जाता है, वीकनेस होती है, लिथर्जी होती है और नोजिया वोमिटिंग भी हो जाता है, ठीक है। ये पेशेंट की बॉडी पर डिपेंड करता है कि ये जो टैबलेट्स हैं कितना इफ़ेक्ट करती हैं उनकी बॉडी पर, तो फीमेल की बॉडी टू बॉडी ये वेरी करती है टैबलेट्स, तो ये प्रॉपरली नहीं कह सकते, लेकिन ये सब कुछ होता है, ठीक है। और 24 आवर्स ये मैक्सिमम होता है, फिर जैसे जैसे इन टैबलेट्स का जो इफ़ेक्ट है बॉडी से वॉश होगा, आपके ब्लड स्ट्रीम से वॉश होगा, तो वैसे वैसे ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये भी सबसाइड हो जाएंगे, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।